के जिंदा जलाली और फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और इस वक्त जितने भी नाजरन टुगेदर प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ नाजिन मेरी दुआ है आज खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे खुदा का पाखरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करे अगर आज आप बीमार हैं खुदावंद आपको शिफा दे मुश्किल में है मुसीबत में है खुदावंद आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को दूर करे क्योंकि वह हल है मुश्किल शिफा का मम्बा और वो जलाली काम करता है तो आए मेरे जीजो सब आंखें बंद हो जाए सब सर खुदावन के जुरी में जुक जाए हम दुआ ही के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे हाले लुया खुदा बाप खुदा बेटे खुदुद पा खुदा, खुदा युसु के नाम से खुदा हम तेरे पास आते तेरा शुक्र अदा करते तेरे प्यार तेरे रहम तेरे फजल के लिए इस वक्त जितने भी बहन भाई लेट्स प्रे टुगेदर प्रोग्राम को देख रहे हम एक एक के लिए तेरी बरकत चाहते आज खुदा में जितने भी मुश्किल के अंदर हैं परेशानियों के अंदर है तेरा पाक उनकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किल को दूर करे इनकी ज़िंदगी की तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करे ताकि ये तेरे जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं, खुदा में आज के अपने प्रोग्राम का सारा कंट्रोल सारा होल्ड तेरी हैंड ओवर करती आज जितनी भी देर हम तेरी हजूरी में झुके और जितनी भी रिक्वेस्ट अपने प्रोग्राम में ले आज दुआ के वसीला से तू कस से काम करना मसीह के नाम से आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ये किरण मेरा चीज़ हो जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर कसर से काम करता है तो आए आज हम खुदा के कलाम में से भी देखेंगे कि खुदा का कलाम आज मेरे लिए आपके लिए क्या फरमाता है आए खुदा के कलाम में से पच्चीस जबूर और उसकी चौथी पांचवी और छठी आयत खुदान के कलाम में से हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है आए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा अपने रास्ते मुझे बता दे मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है मैं दिन भर तेरा ही मुंतज़र रहता हूँ आए खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़कतों को याद फरमा क्योंकि वो अजल से है प्रेज द लॉर्ड पा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो तो मेरे चीज़ों आज जो हवाला ख़ुदा के कलाम में से मैंने आपके लिए पढ़ा यहाँ पर हम देखते लिखा है कि आए खुदावंद अपनी राहें मुझे देखा मेरे चीज़ों बहुत से लोग खुदा की डायरेक्शन को अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं लेते और ना ही चाहते हैं कि खुदा की मर्ज़ी उनकी ज़िंदगी के अंदर पूरी हो तो मेरे चीज़ों हमारे अपने प्लान और मंसूबे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी वैसे ही चले और क्या होता है उसका अंजाम एंड के अंदर हमें नाकामी का सामना होता है हमारी जिंदगी के अंदर मुश्किल आती है तो आज जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे मैं आपको कहना चाहती हूँ खुदा की डायरेक्शन को अपनी जिंदगी के अंदर ले बाइबल के अंदर लिखा है कि कुछ ऐसी राहें भी हैं जिनकी इंतहा है मौत है दिखने को तो वो सीधी मालूम होती है तो आज जरा चेक कीजिए आप कौन सी राहों पर चल रहे हैं क्या आप भी उन्हीं राहों पर तो नहीं जो दिखने में तो सीधी मालूम होती है है, लेकिन उनकी इंतहा में मौत है तो आज मैं आपको कहना चाहती हूँ अगर आपकी जिंदगी के अंदर मुश्किल है प्रॉब्लम्स है आ, बीमारी है परेशानी है तो आज खुदावन से कहिए कि खुदावन तू अपनी राह मुझे दिखा तेरी मर्जी मेरी जिंदगी के लिए क्या है तू क्या चाहता है कि मैं करूँ जब खुदा की मर्जी को खुदा की विल को अपनी जिंदगी में रखेंगे और खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को बसर करेंगे तो फिर आप कसरत की बरकत पाएंगे और फिर हम देखते हैं अपने रास्ते मुझे बता तो क्या कभी आपने अपनी जिंदगी में देखा है या खुदा से पूछा है कि खुदा तू मुझे सिखा अपने रास्ते बता अगर नहीं मेरे चीज़ों तो आज अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को तब्दील कीजिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदावन अपनी रहमतों और शफकतों को याद फरमा जो अजल से हैं खुदा की तो से, अज़ल से ही आपके लिए खुदांदता है खुदांद आपको ही तंदरुस्त हेल्दी देखना चाहता है खुदा चाहता है कि आप जिंदगी पाए और कसरत की पाए लेकिन क्या होता है कि आप खुदा के रास्तों से हट जाते हैं आप खुदा के रास्तों से भटक कर दुनिया की राहों को अपना लेते हैं और दुनिया की राहों के अंदर फिर क्या है कि आप गुमराह जाते हैं और आप बजाय जिंदगी पाए हलाकत की तरफ जाते हैं तो जितने भी आप देख रहे हैं खुदा के क़लाम में के, मुझे अपनी सच्चाई पर चलाओ और तालीम दे कि आज आप खुदा की सच्चाई के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं क्या आप खुदा की सच्चाई के अंदर अपनी जिंदगी को लिए हुए हैं कलाम के अंदर लिखा है कि राहक और जिंदगी में हूं अगर आप रास्ता चाहते हैं खुदा के पीछे हो जाएं जिंदगी चाहते हैं खुदा के पीछे हो ले और अगर अपनी जिंदगी के अंदर सच्चाई को चाहते हैं तो खुदा के पीछे हो ले और कलाम के अंदर लिखा है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी सच्चाई क्या है सच्चाई ट्रुथ इज द लिविंग वर्ड ऑफ़ गॉड खुदा का जिंदा कलाम जब आप इसे पढ़ते हैं इस पर अमल करते हैं इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं तो फिर कसरत की बरकत पाते हैं फिर बीमारियां भी जाती रहती हैं मुश्किल भी जाती रहती है और आपकी जिंदगी भाई से बरकत हो जाती है बड़ी खूबसूरत बात क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है कि आपने खुदा से नजात को रसीव किया है अभी तक या अभी तक आप अब, अब लीज के हाथों में है और दुख उठा रहे हैं अगर ऐसा है तो आज आपके पास मौका है तो इस नजात देने वाले यस् को अपना दिल दीजिए और हमेशा की जिंदगी के वारस बन जाए इसी के साथ मेरे पास मेरे

गिल्लड़ है मेरी अम्मी का ईमान है कि आप दुआ करेंगी तो वो शिफा पाएंगी प्रेज प्रेज द द लॉर्ड लॉर्ड तो प्यारे भाई सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कलाम के अंदर लिखा है कि ईमान के वसीला से मौत जजाद में आते हैं आपकी वालदा का ईमान है आज मैं तमाम नाजरीन के साथ मिलकर दुआ करूँगी और यस्ु के फजल से यह गिल्लड़ जो है रिमूव हो जाएगा इसी तरह नाजन मेरे पास एक और रिक्वेस्ट है अजवाल अकबर हैं और लिखते हैं प्लीज़ प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली तो हम इनके लिए इनके ख़ानदान के लिए भी ज़रूर दुआ करेंगे इसी तरह शफक एहसन है लिखते हैं प्लीज़ प्रे फॉर माय मदर हीलिंग शी हैड यूरन इन्फेक्शन तो हम इनकी वालदा के लिए शफक की वालदा के लिए दुआ करेंगे इनको यूरन का इन्फेक्शन है खुदा ने इनको शफा दे जितने भी आप देख रहे हैं अगर आपकी ज़िंदगी में भी आ, कोई बीमारी है अगर आपको भी यूरन का इन्फेक्शन है किडनी के अंदर स्टोन है गले में गिल्लड़ है बदन के अंदर ट्यूमर है गिल्टी है रसोली है आए अपनी आँखों को बंद करें ईमान से गिल्टी की जगह पर ट्यूमर की जगह पर हाथ रखिए आज खुदावंद आपका ऑपरेशन करेगा आए मिलकर दुआ करें प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हाले लुया खुदा बाप खुदा बैठे खुदाकुदसपा खुदा यस्ु खुदा के नाम से खुदा मैं प्यारे भाई शकील नासर को जिन्होंने सियालकोट से हमें प्रेयर रिक्वेस्ट लिख कर भेजी तेरे फजा वाले हाथ के नीचे लाती हूँ भाई के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ जब इनकी वालदा के गले के अंदर गिल्लड़ है गले का गिल्लड़ अभी सी गढ़ी यस्सु के नाम से रिमूव हो जाए तेरा पाखरू इनका ऑपरेशन करे और ये मुकम्मल तौर पर शिफा पाए इसी तरह प्यारे भाई अजवार अकबर के लिए उनके ख़ानदान के लिए तेरे धुल करती खुदा ने उनको उनकी फैमिली को छू और कसरत की बरकत है इसी तरह शफक की वालदा के लिए और यह मुकम्मल तौर पर शिफा पाए तो खुदा जितने भी बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे मेरे साथ दुआ में मुतफ है इन्होंने बड़े ईमान के साथ अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है इनके बदन के अंदर ट्यूमर है गिलती है रसोली है पथरी अभी इसी घड़ी खुदावंत इनको छू और ये ट्यूमर जो सोलियां गिल्तियां यीशु के नाम से रिमूव हो जाए खुदावंत मत इनका ऑपरेशन कर और इनकी जिंदगी के अंदर जलाली काम का जिनको देख पा खुदा यूरन का इन्फेक्शन है रेशा है पास साथी किसी भी तरह का खुदा यूटीआई है तो अभी इसी घड़ी तरह पाखरू मुकम्मल तौर पर हील करे ताकि आज के बाद खुदावत ये शिफा पाए जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाएँ मसीह के नाम से आमीन प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड यकिन मेरा अजीज हो जब हम खुदावन की हजूरी में झुकते हैं खुदा के साथ दिल लगाते हैं खुदा से मांगते हैं तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है जितने भी आप देख रहे हैं आपको कहना चाहती हूँ दुआ को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉटेंस दें यह हथियार है, है ये एक वेपन है जो क्या करती है बीमारियों से भी शिफा देती है मुश्किल से भी आपको रिहाई मिलेगी कोई भी प्रॉब्लम है जब आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी तमाम प्रॉब्लम को दूर कर देगा तो जितने भी आप देख रहे हैं आप जरूर अपने बच्चों को भी अपने साथ लें पूरी फैमिली भी जो है फैमिली टाइम भी आप अपने खानदान में जरूर रखें जब आप मिलकर खानदान की सूरत में भी दुआ करेंगे तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत देगा इसी के साथ नाजिन वक्त हुआ जाता है लेते हैं शॉर्ट ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं टुगेदर

जी मैं रावल पिंडी से रावल पिंडी से आपको हम लेट्स लेट टुगेदर प्रोग्राम में वेलकम और खुश है आपकी किस मकसद के लिए आपके लिए दुआ की जाए सिस्टर जी मेरे ना दिल की तरह दर्द हो रही है अच्छा तो मैं चले पैरब एफ आप अपने दिल पर हाथ रखें। हम आपके लिए दुआ करते हैं जो भी हार्ट पेन है यीशु के नाम से जाती रहे जितने भी नाजिन देख रहे हैं सब आंखें बंद हो जाए सब सदावन की हजूरी में झुक जाए हमारे साथ मिलकर एफ के लिए दुआ करे आए हम मिलकर दुआ करें हाल लुहिया खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रुकुदा स्पा, खुदा यसु के नाम से खुदा हम तेरे पास आते तेरा शुक्र अदा करते तेरे प्यार तेरे रहम तेरे फजल के लिए मेरबीआर एफ को जिन्होंने रावल पिंडी से हमें कॉल की मैं सर के बालों से लेकर पाव के तलवे तक तेरे खून में छुपाती जो भी हार्ट के अंदर पेन है सारी हार्ट की पेन अभी सी घड़ी यस्ु के नाम से जाते रहे और ये मुकम्मल तौर पर शफा पाए इसी तरह खुदा ने इस वक्त जितने भी बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे अगर इनके भी हार्ट के अंदर

तो खुदावन हम तेरी मिन्नत करते कि तू हॉस्पिटल के अंदर ही प्यारे अंकल जी को छू और मुकम्मल तौर पर शेफा दे ताकि वो भी खुदावन शेफा पाए और तेरे जलाल की गवाही दें मसी के नाम से आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड जी अरे भाई मैंने दुआ की आप ईमान रखें यस्ु के फजल से आप गवाही देंगे तो नाजिन हमारे साथ पेरब आरिफ रावल पिंडी से मौजूद है जिनके लिए मैंने आपके साथ मिलकर दुआ किया मेरा है मेरा ईमान है यस्ु के फजल से वो गवाही देंगे तो इसी के साथ नाजिन हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद है आए हम इनकी भी कॉल लेते हैं इनके लिए भी दुआ करते हैं हेलो मैं बात कर रहा हूँ आप अब्बास मसीह बात करें ईरान बार्डर के नजदीक से तो अब्बास भाई सबसे पहले तो आपको और कहती हूं, लेट्स आपके लिए दुआ करूँ हाँ जी सिस्टर रिक्वेस्ट है कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करें मेरे लिए दुआ करें मेरे बेटे के लिए उसका पढ़ाई में नहीं लगता है ना जी तो पढ़ लिख जाए कि खुदावन के नाम को सराइजा जलाल मिले उसका कलाम पढ़े मेरी वाइफ के लिए दुआ करें मेरी बेटी के लिए जी तो मेरे लिए सिस्टर्स जी जरूर जी जरूर तो बास भाई बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके और मैं आपके लिए आपकी फैमिली के लिए हम जरूर दुआ गोए खुदावंद आपको बरकत दे और यस्सु के फजल से अगर खुदावंद की मर्जी हुई तो हम आपके इलाका में भी जरूर आएंगे जी बिल्कुल सिस्टर मोस्ट वेलकम एनी टाइम नो प्रॉब्लम गॉड ब्लेस यू तो आए नाजिन मेरे साथ मिलकर प्यार के लिए दुआ करें हम देखते हैं कि ईरान के बॉर्डर के पास एक इलाका है जहाँ पर ये रहते हैं इन्होंने वहाँ से कॉल किया है हम इनके बेटे के लिए दुआ करें जिसका स्टडी में उन्होंने कहा कि आप दुआ करें कलाम को पढ़े कितनी मुबारक बात इन्होंने कही है तो जितने भी देख रहे आए सब आंद हो जाए सबसे सब खुदा की दूसरी, एमान, एमान. तो बास भाई मैं आपके लिए भी जरूर दुआ करती हूँ खुदा वंदा आपको अपने पाखरू से मामूर करे और जिस इलाका के अंदर है वहां पर कसर से खुदा के काम को सर अंजाम दे तो आए सब आंखें बंद हो जाए सबसे सब खुदावन के जुरी में झुक जाए जितने भी आप देख रहे मेरे साथ मिलकर प्यारे बेअबास के लिए दुआ करें हाले लुया खुदा बाप खुदा बेटे खुदा खुद पा खुदा यसु के नाम से खुदा हम तेरे पास आते तेरा शुक्र अदा करते प्यारे बेअबास के लिए इनकी फैमिली के लिए जिन्होंने ईरान के बॉर्डर के नज़दीक से हमें कॉल किया खुदावन में इनके लिए तेरी बरकत चाहती इनके बेटे के लिए तेरी बरकत चाहती जैसा इन्होंने कहा है कि पढ़े लिखे और तेरे कलाम की मनादी करे खुदा जिनके बेटे को हम तेरे आगे हजूरी में लाते और तेरे ये नाम से पा खुदा तेरा पाख रु से खुदा जिनके बेटे को छुए ख़ुदाम पढ़ ख़ादम बने इसी तरह प्यारे बे अबास के लिए खुदामन मैं तेरे पाक रुकी आग को तेरे मस्सा को चाहती है पाखुदा प्यारे बेअब्बास ख़ुदावन तेरे पाखरु से मामूर हो खुदावन और तुमको अपनी खिदमत के लिए से इस्तेमाल करें आज इनके हाथों को मैं तेरे हाथों में सौंपती ताकि आज के बाद जब ये बीमारों पर हाथ रखें बीमार ये नाम से शिफा पाए खुदा मैं तेरे दिए गए इख्तियार के साथ इनको इनकी फैमिली को बाप बेटे रुख दस के नाम से बरकत देती है अगर खुदा सुख जितने भी नाजी ईरान के बॉर्डर से हमें वॉच करे एक, एक के लिए खुदा पाकिस्तान के किसी भी कोने से बल्कि पूरी दुनिया से खुदा जितने भी बहन भाई आज वॉच करे हमें केक के लिए तेरी बरकत चाहते इन बहनों और भाइयों को इनके खानदानों को मैं यस्सु के नाम से बरकत देती मसीह के नाम से आमीन फ्रेज़ दिल और तो जी नाजिन अभी हमारे साथ प्यारे भाई आबाश लाइन पर मौजूद थे मैंने आपके साथ मिलकर उनके लिए उनकी फैमिली के लिए दुआ की और मेरा ईमान है कि खुदा के पाखरू ने उनको टच किया और यस्सु के फजल से वो गवाही देंगे इसी के साथ नाजिन मेरे पास और भी प्रे रिक्वेस्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ मिलकर दुआ करना चाहती हूँ रुखसाना है जी लिखती हैं प्लीज़ प्रे फॉर माई हेल्थ आई जस्ट फिनिश ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड आई एम सफरिंग फ्राम फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लीज़ प्रे फॉर माई जॉब एज वेल तो फेरी बहन रुखसाना हम आपके लिए दुआ करेंगे खुदा ने अभी आपको कैंसर से शिफा दी है और मेरी दुआ है कि दोबारा कभी भी कैंसर आपको छूने ना पाए आप मुकम्मल तौर पर शिफा पाए। और इन्होंने लिखा है कि फ़िनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं तो नाज़िन मैं आपके साथ मिलकर इनके लिए दुआ करूँगी कि खुदा सारी फिनैनशियल प्रॉब्लम्स को भी दूर करें और ये शिफा पाए जितने भी इस वक्त देख रहे हैं अगर आपको भी कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर है मुंह का कैंसर है स्टमक का पैनक्रियास का ब्लड कैंसर है किसी भी तरह का कैंसर है आज आपने परेशानी हो ना मैं आपके लिए दुआ करूंगी आप भी यसू के फजल से शिफा पाएंगे इसी तरह फाहद है लिखते हैं सलाम सिस्टर जी मेरे लिए दुआ करें जहां मैं जॉब करता हूं बॉस के साथ मेरा आ, मसला हो गया है किसी बात पर दुआ करें कि जब ठीक हो आ, दुआ करें कि यह मसला ठीक हो जाए और बॉस मुझे दोबारा जॉब पर बुला ले फहद ज़रूर आज मैं आपके लिए दुआ भी करूँगी लेकिन जितने भी नौजवान बेटे इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मैं आपको कहना चाहती हूँ आप एग्रेसिव मत हुआ करें बहुत से बच्चे क्या हैं कि बहुत जल्दी जो है जज्बाती हो जाते हैं गुस्सा कर लेते हैं अब हम इस सिचुएशन के अंदर भी यही देखते हैं कि बॉस के साथ कोई प्रॉब्लम हुई और क्या हुआ कि अब उसको जॉब से निकाल दिया गया है और अब वो कह रहे हैं कि आप दुआ करें कि मुझे दोबारा जॉब पर रखा जाए तो जितने भी देख रहे हैं आप अपने अंदर जो है गुस्से को भी कम करें अगर कोई बात हो भी जाती है तो आप कोशिश करें कि आप उस बात को बर्दाश्त करें जब आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखेंगे तो फिर क्या होगा कि आप बहुत सी चीज़ों से बचे रहेंगे तो आज फाद हम आपके लिए भी दुआ करेंगे और ये नहीं मैं कहती कि फहत का ही यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है अक्सर खादम देखते हैं बहुत सी जगहों पर बहुत से ऐसे बॉस भी होते हैं जिनका रवैया नहीं अच्छा होता लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी कि नरम ज़ुबान जो है अगर अगर आप कुछ लम्हा की खामोशी को इख्तियार कर लेंगे तो क्या होगा बात बढ़ेगी नहीं और बात वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी इसी तरह यशवा हैं और लिखते हैं हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है हम चाहते हैं कि आप हमारा नाम लेकर अपने शो में हमारे लिए दुआ करें तो यशवा हम ज़रूर आपके लिए भी दुआ करते हैं आपकी फैमिली के लिए भी दुआ करते हैं और जितने भी देख रहे हैं आ, इस बात तो को ना सोचा करें कि पता नहीं क्यों मेरा नाम तो शो में सिस्टर जी ने नहीं लिया हमारे पास वक्त कम होता है और क्या होता है कि उसी वक्त के अंदर मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ कि आपकी रिक्वेस्ट को शेयर करूँ कॉल्स भी लें आपके लिए दुआ करें लेकिन आपको बताना चाहती हूँ जितने भी आप हमें WhatsApp पर, पर यूट्यूब पर पर, ईमेल पर जितनी भी आप दुआ करते हैं फहत तो के लिए फहद के, के लिए दुआ करें और अगर आप भी बीमार हैं तो आए अब वक्त है सब आंखें बंद हो जाए सबसे खुदावन की हजूरी में झुक जाए जो भी बीमारी है उससे खुदावन के आगे रखें ईमान से बीमारी की जगह पर हाथ रखे आज आपका हाथ नहीं बल्कि खुदा का हाथ बढ़ेगा और जब खुदा का हाथ बढ़ता है तो मुआजात जहूर में आते हैं आए हम मिलकर दुआ करें हालेलुया खुदा बाप खुदा बैठे खुदा रखुदस पा खुदा यस्ु के नाम से देख पा खुदा हम तेरी हजूरी में झुकते तेरा शुक्र अदा करते तेरे प्यार तेरे रहम तेरे फ़जल के लिए इस वक्त जितने भी बहन भाई इस प्रोग्राम को देख रहे खुदा मैं इनको तेरे फजल वाले हाथ के नीचे लाती जिन्होंने बड़े ईमान के साथ इस वक्त अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा खुदा मैं मनत करती तो अपना फजल वाला हाथ बढ़ा और ये सारी बीमारी यस्ु के नाम से जाती रहे जिस बहन ने पेड़ रिक्वेस्ट लिख भेजी जिसको

खुदावन इसका बॉस इसको दोबारा जॉब पर रखे और ये तेरे जलाल की गवाही दे इसी तरह हम यशवा की पूरी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते इनको खुदावन तो कसरत की बरकत दे अगर कोई बीमार है तेरा पाकर उनको शिफा दे मुश्किल के अंदर है खुदा ने लिखा कि हम बड़े परेशान हैं तो खुदावंत तो इनकी सारी परेशानी को दूर कर तो यह यरी है जो सब कुछ करने की कुदरत ताकत और जोर रखता है खुदावन तो कसरत की बरकत दे और इनकी तमाम खुदावन प्रॉब्लम्स को दूर कर और भी खुदावन जितनी भी रिक्वेस्ट हमें ई मेल के जरिया से व्हाट्सएप के ज़रिया से यूट्यूब के ज़रिया से फेसबुक के जरिया से इस तरह फ़ोन पर मैसेजेज़ के ज़रिया से मौसू हुई हैं हम एक एक की दरख्वास्त को तेरी हजूरी में लाते और मेहनत करते खुदा तो आज एक के ज़रा ज़रा मकसद को सु के नाम से पूरा कर जिनकी किडनीज खराब है, है।, है, है। मुकम्मल तौर पर शिफा दे जिनको है हर तरह का हेपेटाइटिस ए बी सी यु के नाम से जाता रहे मुकम्मल तौर पर यह शिफा पाए तेरा पाखर इनकी जिंदगी के अंदर से तमाम बीमारियों को दूर करे हर तरह का स्किन इन्फेक्शन यु के नाम से जाता रहे आंखों का इन्फेक्शन

के लिए नर्सेस के लिए तेरी बरकत चाहते और मुल्के पाकिस्तान में रहने वाले एक एक फर्द के लिए तेरा फजल हाथ चाहते हैं और इस वक्त जितने भी बहन भाई फजल टेलीविजन को देख रहे हैं तो एक एक को छू कसरत की दे आज बीमार शिफा पाए जो जकड़े अबलीस के हाथों दुख उठा रहे हैं यस्ु के नाम से आजादी आज को पाए तेरा पाखर इनकी दिल की मुरादों को पूरा करे जरा जरा मकसद यस्सु के नाम से खुदा इनका पूरा कर ताकि आज के बाद ये तेरी राहों पर चले तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करे और तेरे नाम को जलाल दे मसी के नाम से आमीन आमीन फ्रेसो मेरा ईमान है मैंने और आपने हमने मिलकर दुआ किया जब ईमान से दुआ होती है तो खुदा का पाखरू से काम करता है ईमान रखे यस्सु के फसल से आप गवाही देंगे इसी के साथ नाजिन वक्त आ जाता है लेते हैं आपसे इजाजत अपना ख्याल रखिएगा फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में देखते रहिए लेट्सर गॉड ब्लेस यू ऑल